तो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं आलू जीरा फ्राई। इसको बनाने के लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। उसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। अब हम उसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। इसको भी मिक्स कीजिए दोनों साथ में। अब इसमें जाएगा लहसुन कटा हुआ, हमने तीन लहसुन ले लिए हैं। इसको भी मसाले के अंदर मिक्स कीजिए। लहसुन को अच्छे से हमें फ्राई करना है ताकि उसका जो स्वाद आ जाए हमारे आलू को। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। पहले हमने डाला है कश्मीरी चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। कश्मीरी चिली पाउडर इसी के लिए डाला है ताकि अच्छे से कलर आ जाए। इसमें हम डालेंगे क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर। अब हम डालेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून। थोड़े थोड़े ही मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना स्वाद हमारा अच्छा नहीं आएगा। अगर बहुत मसाले रहेंगे तो हमें ज़्यादा मसाले लगेंगे, इसके लिए थोड़े थोड़े ही मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये आलू हमें डायरेक्ट पैक्ड आलू मिल जाते हैं, कोई भी शॉप में जाइए। इसको दम आलू के लिए भी हम यही आलू यूज़ करते हैं और आलू फ्राई के लिए भी हम यही आलू यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला सब जगह लग जाए। देखो कितना सुंदर कलर आ गया है इसको देखिए। अब हम ऊपर से नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। चाहिए तो अभी हम कम डालेंगे, बाद में आप ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक डाला है और वापस उसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। उसको थोड़ी देर मिक्स करते रहिए क्योंकि आलू सब जगह से पकने चाहिए। ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि हमारे आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी एक ऐसी चीज़ है जो आपके रेसिपी को बहुत अलग ही स्वाद देती है। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और उसको वापस मिक्स करेंगे। हम बार बार इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए आलू सब जगह अच्छे से पके और कच्चे ना रहे जब आप खाओगे तब। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको हम बीच से काट के भी देखेंगे आलू को, जिससे हमें पता चलेगा आलू कुक हुआ है या नहीं कुक हुआ है। देखो आलू कुक हो गया है, आलू अच्छे से पक गया है और हम इसको बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद ऊपर से आप नींबू निचोड़िए, जिससे हमारे आलू जीरा फ्राई को टैंगी फ्लेवर आएगा। और बस आलू जीरा इज रेडी। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आलू जीरा फ्राई। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।